हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 और ये फाइनल वीडियो है चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, इसको फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, -2/3 × 3/5 5/2 -3/5 × 1/6। सबसे पहले हम इसमें कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ऑर्डर चेंज करके जो का तो रख देंगे टर्म्स को। तो हमने क्या किया, जो -2/3 × 3/5 है इस टर्म को जो का तो रखा, और -3/5 × 1/6 टर्म्स को हमने यहाँ पे रखा, और +5/2। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। केवल हमने ऑर्डर चेंज किया, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यहाँ से यहाँ पे 3/5, यहाँ पे भी 3/5, इसीलिए हमने इसको चेंज किया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसीलिए लगाई। -3/5 यहाँ से हम बाहर ले सकते हैं, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, इसलिए -3/5 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा 2/3 + 1/6 + 5/2। ये प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, यानी -3/5 जो है वो दोनों टर्म में था, इसलिए यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब जस्ट हमें इसको सोल्व करना है, -3/5 जो का तो इंटू 6 सेल्सियम, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, +6 × 1 = 6, 1 × 1 +5/2। तो -3/5 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 5/6 +5/2। इसके बाद -3/5 × 5/6, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा -3/6 +5/2 जो का तो। फिर इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद फिर 6 LCM आ जाएगा, तो -3 जो का तो +2 × 3 = 6, 5 × 3 = 15। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा फाइनली 12/6 और 6 × 2 = 12, तो आंसर हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे हम, 2/5 × -3/7 -1/6 × 3/2 +1/14 × 2/5। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों लगाएंगे, देखिए 2/5 × -3/7 ये जो का तो +1/14 × 2/5 इस टर्म को हमने यहाँ पे रखा, और इस टर्म को हमने सबसे लास्ट में 1/6 × 3/2। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब वही ऑर्डर चेंज किया हमने, केवल कोई साइन चेंज नहीं किया। और हमने क्यों इसको चेंज किया, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 2/5 को हमने बाहर ले लिया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे भी 2/5 था, यहाँ पे भी 2/5 था, इसलिए हमने दोनों को एक जगह रखा। 2/5 को बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा -3/7 +1/14 और -1/4। ये होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर 2/5 इसको सोल्व कर लेंगे, 14 LCM आ जाएगा, और -1/4 2/5 यहाँ पे बचेगा -6 +1/14 -1/4 2/5 जो का तो, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5/14, और 2 × 7 = 14, 5 × 1 = 5, तो हमारे पास बचेगा फाइनली -1/7 -1/4। फिर इसको हम दोबारा फिर सोल्व करेंगे, 28 LCM आ जाएगा, और यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास बचेगा -11/28 जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। हमने दो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 -2/8, जब -1/5 का करेंगे तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9,
तो माइनस फाइव अपॉन नाइन, तो एक माइनस तो हम एडिटिव इन्वर्स के लिए लगाएंगे, हमारे पास माइनस फाइव अपॉन नाइन पहले से ही है, तो माइनस और माइनस प्लस, यानी आंसर होगा प्लस फाइव अपॉन नाइन। ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड वाला भी कर सकते हैं, माइनस एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस सिक्स अपॉन माइनस फाइव, तो ये माइनस दोनों माइनस है, नीचे भी ऊपर भी माइनस है, तो माइनस एक यहाँ पे लगाएंगे एक ये, तो यहाँ पे ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा फाइनल माइनस सिक्स अपॉन फाइव। नेक्स्ट एडिटिव इन्वर्स ऑफ टू अपॉन माइनस नाइन, टू अपॉन नाइन, टू अपॉन माइनस नाइन का एडिटिव इन्वर्स लेना, तो एक माइनस एडिटिव इन्वर्स के लिए और टू अपॉन माइनस नाइन, माइनस फिर टू अपॉन माइनस नाइन को हम माइनस टू अपॉन नाइन भी लिख सकते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस, तो आंसर मिलेगा हमें टू अपॉन नाइन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई दैट माइनस एक्स इक्वल टू एक्स फोर, एक्स इक्वल टू इलेवन अपॉन फिफ्टीन एंड एक्स इक्वल टू माइनस थर्टीन अपॉन सेवनटीन। तो फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन, तो हमारे पास जो ये है इन माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, इसमें हम पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू इलेवन अपॉन फाइव इन माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स में। जब हम एक्स इक्वल टू माइनस इलेवन अपॉन फाइव रखेंगे इसमें, तो हमारे पास बचेगा इलेवन अपॉन फिफ्टीन, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस इलेवन अपॉन फिफ्टीन आ जाएगा। ऐसे राइट साइड में देख सकते हैं आप, पुट एक्स इक्वल टू माइनस थर्टीन अपॉन सेवनटीन, तो माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे हम रखेंगे एक्स की वैल्यू, तो माइनस जो का तो एक अंदर माइनस अंदर भी माइनस है, फिर एक्स की वैल्यू भी हमारे पास माइनस है, उसको हमने रखा माइनस थर्टीन अपॉन सेवन, तो ये माइनस जो का तो रहेगा अभी बाहर, और अंदर का जो माइनस है और एक और अंदर माइनस है, वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का थर्टीन अपॉन सेवन, और नीचे जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा माइनस थर्टीन अपॉन सेवन। ये हमने वेरीफाई कर लिया इसको, और माइनस थर्टीन अपॉन सेवन जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, वो किसकी वैल्यू है, वो हमारे एक्स की वैल्यू है। ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या मिला, इसका जो रिजल्ट मिला वो मिला इलेवन अपॉन फिफ्टीन, जो कि एक्स की वैल्यू है, और यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव यूनिवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लीकेटिव यूनिवर्स में जस्ट हमें सिंपल करना है, बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करना है। तो मल्टीप्लीकेटिव यूनिवर्स ऑफ माइनस थर्टीन इक्वल टू माइनस वन अपॉन थर्टीन, मल्टीप्लीकेटिव यूनिवर्स ऑफ माइनस थर्टीन अपॉन नाइनटीन इक्वल टू माइनस नाइनटीन अपॉन थर्टीन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये थोड़ा सा अलग है, पहले हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई माइनस फाइव की माइनस थ्री में करेंगे तो फिफ्टीन, एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स, फिफ्टीन अपॉन फिफ्टी सिक्स, और मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ फिफ्टीन अपॉन फिफ्टी सिक्स इक्वल टू फिफ्टी सिक्स अपॉन फिफ्टीन। क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें हमने ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें है। तो माइनस फोर अपॉन फाइव इंटू वन, वन इंटू माइनस अपॉन माइनस फोर अपॉन फाइव इक्वल टू माइनस फोर अपॉन फाइव, तो आंसर क्या होगा, वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज हुआ है। सेकेंड सेकेंड देखते हैं, माइनस थर्टीन अपॉन सेवन इंटू माइनस टू अपॉन सेवन, माइनस टू अपॉन सेवन इंटू माइनस थर्टीन अपॉन सेवनटीन, तो आंसर क्या होगा, कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी है, केवल हमने ऑर्डर चेंज किया मल्टीप्लीकेशन में बस, इसलिए ये क्या है, कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड वाला देखेंगे, माइनस नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी नाइन इंटू माइनस सॉरी माइनस 19 अपॉन 29 इंटू 29 अपॉन माइनस 19 इक्वल टू 1, यानी हमने क्या किया, इसके मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स, क्योंकि किसी नंबर की रेशनल नंबर की
उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलना चाहिए 1। तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, वेरी सिंपल। मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो रेसिप्रोकल देखेंगे पहले -7/16 का, तो -16/7। फिर इसके रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई करेंगे 6/13 के साथ, तो इसकी हमने मल्टीप्लाई की तो -96/91। क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो आप यहां पे देखेंगे एसोसिएट किया गया, केवल इसको यहां पे 6 और 4/3 को एक जगह ले लिया, मल्टीप्लाई में एसोसिएट किया, और अगले इसमें देखेंगे आप एज के बाद 1/3 इंटू 6 इसको यहां पे एसोसिएट किया और 4/3 को अलग, तो इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, वाई और वाई नॉट? यदि किसी नंबर की उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आना चाहिए। अब हम देखते हैं 8/9 इंटू -1/8, इसके हमने इसके साथ मल्टीप्लाई की जो कि मिलेगा हमें -1, इसलिए नो, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल आसान, राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। कौन सा ऐसा नंबर है जो रेसिप्रोकल नहीं होता जिसका? 0। क्यों नहीं होता? 0 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/0 होगा जो नॉट डिफाइन है, इसलिए इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा। सेकंड, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल्स, जो अपने ही रेसिप्रोकल के बराबर होंगे, तो एक होगा 1 और एक होगा -1। 1 का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी 1 होगा, -1 का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी -1 होगा। थर्ड देखेंगे आप, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, जो अपने ही नेगेटिव के बराबर है, तो वो कौन सा हो सकता है? 0। वैसे 0 का कोई साइन नहीं होता, तो नेगेटिव ऑफ 0 भी क्या होगा? 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। द नंबर्स 1 एंड -1 आर दियर ओन रेसिप्रोकल, जो हम पहले भी कर चुके। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/-5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज योर नॉट इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये फिर रेशनल नंबर ही नहीं होगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इक्वल टू क्या होगा? x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज a, क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा? वो पॉजिटिव रेशनल नंबर ही उसका रेसिप्रोकल होगा। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया, सारे क्वेश्चन लगभग हमने सारे कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज 1.2 को देखते हैं, रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए ये रही हमारी नंबर लाइन, यहाँ पे है 0, इधर हमारे माइनस होंगे नेगेटिव, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा ये, और ये माइनस में है, इसलिए 0 और -1 के बीच में लाई करेंगे ये नंबर। तो हमने क्या किया, 0 और -1 के बीच में 11 पार्ट कर लिए, 11 पार्ट किए, फिर यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ये 1 है, तो यहाँ पे -2/11 होगा, यहाँ पे 3, 4, ये -5/11, फिर 6, 7, 8 और ये -9/11, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीनों नंबर को हमने एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया।
क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू को देखेंगे, फाइंड टेन रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं, यदि आपके पास कोई भी बाउंडेशन नहीं है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि मीन मेथड से, जो हम अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको मीन मेथड से ही करना होगा। तो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं अभी। सॉल्यूशन, टेकिंग एलसीएम ऑफ 5 एंड 4, 5 और 4 का एलसीएम ले लिया हमने 20, 3/5, जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास नंबर मिलेगा हमें 12/20, 3/4 का लेंगे तो कितना मिलेगा 15/20, लेकिन हम देखेंगे 12/15 और 15/20 के बीच में केवल दो रेशनल नंबर होंगे, लेकिन हमें चाहिए कितने 10, इसलिए हमने एक और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रम से करके देखेंगे, 3 से करेंगे तो तब भी नहीं आएंगे 10, 4 से करेंगे तो 10 इनके बीच में आ जाएंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई की तो 48/80 मिलेगा, यहाँ पे भी 4 से ही करेंगे तो कितना आएगा 60/80, तो इनके बीच में जो रेशनल नंबर आएंगे 10 वो मिलेंगे हमें ये, देयरफॉर 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4, 49/80, 50/80, 51/80 और अप टू 58/80, ये हमारे पास 10 रेशनल नंबर आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और हमारे चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है एक किस्म से, तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2, इसमें लिखा हुआ है बाई मीन मेथड, तो मीन मेथड से कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान, रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2, तो मीन मेथड का मतलब दोनों को ऐड करेंगे और बाई 2 करेंगे, तो दोनों को ऐड किया बाई 2 किया तो हमारे पास ये मिलेगा 3/4/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा फाइनली 3/8, तो पहला जो रेशनल नंबर आया हमारे पास वो आया 3/8, इसलिए इसको लिखेंगे देयरफॉर 1/4 स्मॉलर देन 3/8 स्मॉलर देन 1/2, यानी ये हमारे पास अभी रेशनल नंबर मिला। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालेंगे ऐसे ही, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पे और फाइनली हमें मिला 5/16, फिर हमारे पास ये दो रेशनल नंबर आ गए इनके बीच के। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 1/2, 3/8 और 1/2 के बीच के निकालेंगे, फिर इसको फाइनली सोल्व करेंगे तो हमारे पास 7/16 आ जाएगा। देयरफॉर हमारे पास ये तीन रेशनल नंबर हमें मिल गए अभी, फिर हम क्या करेंगे 1/4 और 5/16 के बीच में निकालेंगे ऐसे ही मीन मेथड से और हमें मिल जाएगा 9/32। अब हमें 9/32 मिला तो 9/32 इन दोनों के बीच में आना था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब 7/16 और 1/2, एक बार राइट साइड के दोनों टर्म्स को लेंगे एक बार लेफ्ट साइड के, इस तरीके से हमारे पास बीच के रेशनल नंबर आ जाएंगे। नाउ रेशनल नंबर बिटवीन 7/16 एंड 1/2, दोनों का मीन निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे बाई 2 करेंगे, हमें मिलेगा फाइनली 15/32। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 5 रेशनल नंबर 1/4 और 1/2 के बीच के 5 रेशनल नंबर मिल गए और ये हमारा फाइनल आंसर। थैंक्स स्टूडेंट्स।